नमस्ते एवरीबॉडी फ्रेंड्स, आज ये रीडिंग है ऐसे व्यूवर्स के लिए जो पहले से काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, उतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं और पीसफुल रहने की कोशिश करते हैं, जनरली अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, और साथ साथ जिन्हें लगता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की हैं और उन्हें रियलाइज़ करते हैं और अब आप जल्दबाजी में नहीं हैं फॉर एनीथिंग। तो ऐसे व्यूअर्स के लिए देखते हैं फ्रेंड्स, लाइफ में क्या वेरिएशन आ रहा है। मिनिमम कार्ड्स के साथ देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे आपके साथ चल क्या रहा है। यस फ्रेंड्स, वेरिएशन तो आ रहा है, समथिंग इज हिडन, कुछ हिडन ब्लेसिंग्स हैं फ्रेंड्स। कुछ कार्ड्स फ्रेंड्स बार बार बाहर आना चाहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आपके साथ अभी क्या चल रहा है और क्या वेरिएशन आपके फ्यूचर में आने वाला है। तो फ्रेंड्स अब आप रिलैक्स्ड हो जाएं और गॉड को याद करें। दिस इज़ लाइक फियरफुल भी अगर हैं और वेरिएशन चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं फ्रेंड्स इस रीडिंग से एट प्रेजेंट क्या चल रहा है आपके साथ और भविष्य में क्या बदलाव आने वाला है। फ्रेंड्स लगता है स्टक हैं, मेंटली स्टक हैं किसी सिचुएशन में। देखिए फ्रेंड्स इस वक्त, ओ गॉड फ्रेंड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, लुक्स लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, काफ़ी साइलेंट हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ द हर्मिट एज एन ऑब्स्टेकल आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिप्रेशन में बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज आप मेंटली स्टक नज़र आ रहे हैं। यहाँ द हर्मिट एज एन ऑब्स्टेकल आने का मीनिंग है फ्रेंड्स, इंट्रोस्पेक्शन की कमी है, आपने अपने आप को अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया है। अगर आप करते हैं तो यू विल गेट सम क्लैरिटी। स्पिरिचुअल पाथ भी इस वक्त किसी ने अपनाया हुआ है फ्रेंड्स, और आपको लगता है आपके साथ यही दो कार्ड सूटेबल हैं। तो इट मीन्स फ्रेंड्स स्पिरिचुअलिटी में भी यू आर नॉट हैविंग दैट क्लैरिटी। तो फ्रेंड्स 9 नंबर आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरिएशन तो आने वाला है। यस फ्रेंड्स वेरिएशन आने वाला है एंड दिस इज लाइक जो भी वेरिएशन आ रहा है, दिस इज आपकी जो मेहनत है, आपका जो समय आपने लॉन्लीनेस में दिया है, स्लोली स्लोली जो आप चलते रहे हैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस करते हुए, इन सबसे पीछा छूटने वाला है फ्रेंड्स। डबल 8 99 नंबर आए हैं फ्रेंड्स, तो नंबर 8 9 3 आपसे रिलेटेड हो सकते हैं सम वे। अब देखते हैं फ्रेंड्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, विच इज सेइंग कि आपके पास्ट से ही रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट है। आइदर इतने समय से जो आप लॉन्लीनेस में डार्कनेस में रहे हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो आप आगे बढ़े हैं आशा की किरण लेकर या किरण ढूंढने के लिए, तो यहाँ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स यू आर गोना गेट इट। तो अब देखते हैं यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द फूल क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ वांड्स। फ्रेंड्स दिस इज लाइक दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में जिनको लेकर के यू मे बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। कोई इमोशनल ऑफर है जो कि आपकी ओर आ सकता है। सो फ्रेंड्स आपको मेंटली स्टक नहीं रहना है, लाइफ में एक क्लैरिटी लाना है, इंट्रोस्पेक्शन अच्छे से करें, बिकॉज समटाइम जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, गलत डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ना है। यू हैव टू बी
वेरी क्लियर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. तो यहाँ फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है देर इज सम वन, कोई ऐसे पर्सन आएंगे द वन हु हैज एक्चुअली या तो ट्रिगर्ड रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है पास्ट में. तो वेरिएशन तो आ रहा है फ्रेंड्स, बट साथ साथ कन्फ्यूज़न भी आपको होने वाला है. आप अभी भी कन्फ्यूज्ड होने वाले हैं इन फ्यूचर कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है. आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ फ्रॉम आउटसाइड फ्रेंड्स. अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये एस ऑफ कप्स टू ऑफ पेंटिकल्स किसका ऑफर है, क्यों है, क्यों आप कन्फ्यूज्ड हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. लुक्स लाइक फ्रेंड्स किसी पर स्टक हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, तो उनसे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है. और उसके बाद आपकी लाइफ में देर इज समवन कमिंग, कोई आ रहे हैं. दिस इज लाइक किसी एक के साथ आपका अगर ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसे में काफी लॉन्ग टाइम हो गया है, तो समवन न्यू इज गोना कम अक्रॉस. नंबर वन और थ्री इस पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, 139 जिनकी आप बात कर रहे हैं. जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन हो सकता है इनका. लेट्स फाइंड आउट मोर और पता करते हैं फ्रेंड्स. तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपकी प्रेजेंट एनर्जीज जो हैं ये क्यों हैं, किस वजह से आप इतना कंफ्यूज्ड, इतना डिप्रेस्ड और इतना लिथार्जिक नज़र आ रहे हैं. लिथार्जिक लाइक मेंटली एक वार्म्थ की कमी दिखाई दे रही है. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स. दिस इज लाइक बस आपको अपने डेस्टाइंड पार्टनर जो भी हैं मिलने ही वाले हैं. मैन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, हैप्पी फैमिली है यहाँ पर. सो दिस इज ऑल कूल. नंबर एट और नाइन भी रिलेटेड हो सकता है इस पर्सन से. 1, 4, 8, 9, 3 रिलेटेड हो सकते हैं इनसे. अब एक कार्ड आपके लिए एज एन एडवाइस लेते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले एक हिडन इन्फ्लुएंस जानने की कोशिश करते हैं. द स्टार, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन. द स्टार आया है, हिडन इन्फ्लुएंसेस में आया है. इट मींस फ्रेंड्स सितारे आपके लिए काम कर रहे हैं, किस्मत काम कर रही है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ है. हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ टनल. तो फ्रेंड्स ये जो टनल आपने अब तक पार किया है अंधियारा, जिसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाया था, बट आप फिर भी जैसे तैसे चल रहे हैं, तो फ्रेंड्स बस वो लाइट आने वाला है. एक्वेरियस साइन भी प्रोमिनेंट आया है इस रीडिंग में. हाँ, तो अब हम एक कार्ड आपके लिए एज एन एडवाइस लेते हैं फ्रेंड्स. फ्रेंड्स अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में देर इज नो सेकेंड पर्सन, तो फिर जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, दिस इम्प्रूवमेंट कैन बी देयर, ये उनके साथ भी हो सकता है इम्प्रूवमेंट. फ्रेंड्स यहाँ फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड सामने आने वाला था, तो अब हम ले रहे हैं आपके लिए एक एडवाइस. फोर ऑफ सॉर्ड्स है फ्रेंड्स बॉटम ऑफ द डेक में, ये आपके लिए एडवाइस है फ्रेंड्स. इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन. तो फ्रेंड्स आपको साइलेंट होने की ज़रूरत है, और साइलेंट का मतलब है फ्रेंड्स कोई फियर नहीं होना चाहिए. यू मस्ट बी हैविंग अ वार्म्थ, फ्रेशनेस रहना चाहिए फ्रेंड्स. जो भी आप कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, सोसाइटी में, ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू आर अ डिफरेंट एंटिटी. द नीड टू टेक रेस्ट और अ वेकेशन, अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. तो फ्रेंड्स आप थोड़ा पॉज लें, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना हो वर्क को लेकर. मेंटल एग्जॉशन, गेट मोर स्लीप. तो फ्रेंड्स आपको प्रॉपरली सोना भी चाहिए.
हिडन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ हिडन ब्लेसिंग्स हैं। तो ये आपके लिए एज एन एडवाइस आया है फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है और गॉड से बहुत लाइटली प्रे करना है, नेचर से कनेक्ट होना है। दिस इज़ लाइक अलग से आपको बहुत समय नहीं निकालना है पूजा पाठ एंड ऑल के लिए, मंत्र चैंटिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं। यू मस्ट बी ब्रीथिंग प्रॉपरली, हेल्थ पर ध्यान दें, दैट्स इट। तो आपके लिए तो सब कुछ आने ही वाला है। एंजल से एक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, टेक एक्शन, यस का आंसर है। इट मीन्स फ्रेंड्स, अगर आपका हार्ट माइंड आपको अलाउ कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, जिससे आप इनर सेल्फ आपका रिलीव्ड हो पाता है, तो आप एक्शन ले सकते हैं फ्रेंड्स, यस का आंसर है। इट मीन्स फ्रेंड्स, जो आपको इस वक्त सही लग रहा है डीप इनसाइट, बट उस डीप इनसाइट को जानना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आप जब लिबरेट करें फ्रेंड्स अपने आप को रेस्ट्रिक्शन से, चाहे ये रेस्ट्रिक्शंस स्पिरिचुअलिटी के ही क्यों ना हो, तो इनसे आप थोड़ा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें, और जैसे ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रेंड्स, आप एक्शन लेंगे तो यस का आंसर है, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोर टू रोमांस, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाइस। तो फ्रेंड्स, दिस इज लाइक रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, और दोज हु आर हैविंग नो रिलेशन, उनके लिए देर इज अ यूनियन। तो आप एंग्जाइटी छोड़ दीजिए। थैंक यू, प्लीज टेक केयर।